हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाला जेई। सो गाइस, अगर तुम यार आईआईटी जेई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो यार डेफिनेटली एक चीज तुमको बहुत अच्छे समझ लेना है कि जो सिलेक्शन होता है वो तुम्हारी 70% सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है। देखो यार, मोस्टली बच्चे होते हैं जो अपने आईआईटी जेई की प्रिपरेशन में आते हैं, वो अपने मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, अपने एडवांस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बट यार उनके माइंड में वो एक चीज भूल जाते हैं कि यार जो सिलेक्शन है वो तो बिल्कुल तुम्हारी सेल्फ स्टडी पर ही डिपेंड करना है। लेकिन देखो यार, यहाँ पर बात ये आती है, अगर सिलेक्शन सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करना है तो क्या कोचिंग की नीड है, या फिर हम अपने बेसिस पर ही कर सकते हैं बुक्स को परचेज कर। तो देखो, सारी बातें मैं तुमको आज के इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को तुम पूरा देखते चलो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैंने तुमको बता दी बिल्कुल क्लियर शुरुआत में कि जो सिलेक्शन है वो तुम्हारी सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करेगा। लेकिन देखो, साथ में तुमको एक चीज ये भी समझना है कि जब तक हमारे पास एक मेंटोर नहीं होगा, जो हमारा टीचर है वो नहीं होगा, तो फिर यार हमारा जो रास्ता है वो क्या थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोचिंग करते हो, अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो, आप किसी भी सिटी में रहते हो, आप कहीं भी कोचिंग करने का सोच रहे हैं, तो जैसे आप कोचिंग जाते हो, कोचिंग में क्या होता है, तुमको पहली चीज तो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसके अलावा आपको क्या है, जो क्लासेस होती हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अब देखो, जब आप क्लासेस में बैठ रहे होते हो तो देखो कहीं ना कहीं तुम जो कॉन्सेप्ट उसको सीख रहे होते हो, तो यहाँ से जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तुम्हारे क्या है, क्लियर हो जाते हैं। और देखो, कुछ कॉन्सेप्ट जो क्या है डाउट में रहते हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, तो वहाँ पर जो फैकल्टी रहती है, जो भी यहाँ पे टीचर्स हैं, जो भी फैकल्टी है, उनसे आप अपने डाउट्स को क्या करें, क्लियर करें। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि यार मैं पूछने जाऊँगा तो टीचर ने कहीं डांट दिया, तो देखो यार टीचर वगैरह अगर तुमको डांट भी देता तो यार नर्वस होने की जरूरत नहीं है। देखो यार, टीचर का काम है तुमको समझाना पढ़ाना डांटना, बस तुमको अपने गोल पर फोकस करना है कि यार तुम्हारा गोल है आईआईटी जेई का मेन और एडवांस का एग्जाम। अगर तुम ये चीज़ ध्यान रखोगे तो यार तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक चीज़ तुमको अच्छे से ये समझना है कि कोचिंग में जब तुम्हारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो वहाँ से तुम्हारी जो जर्नी है वो थोड़ा क्या इजी स्टेप की तरफ जाती रहेगी। अगर देखो तुमको अपनी प्रिपरेशन को इजी बनाना है तो यार कहीं ना कहीं ये पक्का है कि तुमको कोचिंग का जो सहारा है वो लेना जरूर चाहिए। तो यार ओवरऑल ये तुम्हारी बात हो जाती है कि स्टडी मटेरियल और क्लासेस तुमको एक अच्छा करियर प्रोवाइड करती हैं। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ तुम समझ गए कि यार कोचिंग कंपलसरी है, और क्यों कंपलसरी है वो तुमको मैंने बताया। अब देखो, इसका सेकंड फैक्टर मैं तुमको समझाऊंगा कि देखो, जो हमारी कोचिंग होती है, जो हमारी कोचिंग होती है उसका जो रोल होता है हमारे सिलेक्शन में, वो सिर्फ यार 30% होता है। तो तुम ये चीज़ अच्छे से समझ लो, कोचिंग का जो रोल है वो सिर्फ केवल तुम्हारा क्या है 30% है, और सेल्फ स्टडी तुम्हारा क्या है 70% है। देखो कई बच्चे सोचते हैं कि कोचिंग से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी है, कोचिंग तुम्हारे लिए सिर्फ बॉर्नवीटा का काम करता है, सिर्फ तुम्हारे लिए कॉम्प्लेन का काम करता है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बॉर्नवीटा पिलाते हैं, उसको कॉम्प्लेन पिलाते हैं। क्या वो सिर्फ कॉम्प्लेन और बॉर्नवीटा पीकर क्या है अच्छे से उसकी ग्रोथ हो सकती है सिर्फ क्या बॉर्नवीटा और कॉम्प्लेन से? तो यार ये पक्की बात है कि पूरी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो सकती है, उसको कहीं ना कहीं खाना खाने की ज़रूरत है। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो आगे चल के उसको जो हेल्थ के इशूज़ हैं बच्चे को हो जाएंगे। तो सेम उसी तरीके से ये तुम्हारी जो सेल्फ स्टडी है ये तुमको ओवरऑल तुमको सक्सेस प्रोवाइड करेगा, और यही तुम्हारा वो जो फूड है, जो तुम्हारा खाना है, ये तुम्हारे लिए खाने का काम करेगा। और कोचिंग को तो समझ सकते हो नाश्ता, कि तुमने भाई नाश्ता करने गए, तुमने नाश्ता कर लिया और तुम्हारा थोड़ी देर काम चल गया, उसके बाद जब तुमको खाना मिला तो तुमने खाना खा लिया। अब भाई नाश्ता करोगे तो क्या पूरे दिन अच्छे से रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो सेम उसी तरीके से यार कोचिंग करोगे, सिर्फ कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन लेने के लिए बिल्कुल रियलिटी है तुमको खाना खाना पड़ेगा, तुमको अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ बच्चे नहीं समझते तो यार वही क्या है पीछे रह जाते हैं। और देखो तीसरी चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, जो हमारी लास्ट चीज़ होगी वो होगा टॉपर
वर्सेस नॉर्मल स्टूडेंट, टॉपर वर्सेस नॉर्मल स्टूडेंट। देखो कई बार क्या होता है कि तुमने देखा होगा कि कुछ बच्चे बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, लेकिन यार उनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई देती है, एक्सपोनेंशियल चेंजेस दिखाई देते हैं, और वही चेंजेस उनको क्या टॉपर तक ले जाते हैं। देखो टॉपर को पता है कि भाई उसको करना क्या है, किस तरीके से करना, उसको पता है, वो पहले सोच चुका है कि मुझको पहले अपना जो कोचिंग करना है, कोचिंग के बाद आके भाई मुझको अपना घर पे खाना वगैरह खाना है, उसके बाद मुझको अपनी क्या सेल्फ स्टडी फोकस करना है, उसको पता है कि भाई कैसे करना है। लेकिन जो ये नॉर्मल बच्चा है वो कर तो रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है कि कहीं हुआ नहीं तो, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है सिलेक्शन को लेकर, सिलेक्शन नहीं हुआ तो देखो ये तुमको भी पता है और ये सबको ही पता है कि सिलेक्शन सिर्फ डिपेंड करता है कि भाई तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन का लेवल अच्छा होगा तो ये बिल्कुल बनी बनाई बात है कि सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम अपने आसपास कोई भी एक बंदा पकड़ लो, तुम्हारे आसपास तुम जैसे देखते हो कि तुम्हारे आसपास कई रिक्शे वाले होंगे, कई ऑटो वाले होंगे, कई दुकान वाले होंगे, तुम यार किसी भी पर्सन के पास चले जाना, या तुम्हारे फैमिली मेंबर में कोई पर्सन उसके पास चले जाना, उससे सिर्फ एक चीज़ ये पूछना कि अगर मुझको सिलेक्शन चाहिए किसी एग्जाम में तो क्या करें, तो तुमसे सिर्फ वो इतना कहेगा कि अच्छे से पढ़ो बस। तो तुमसे ये बात जरूर बोलेगा कि तुम बेटा अच्छे से पढ़ना तो सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ने का क्या मतलब है भाई, अच्छे से पढ़ने का मतलब वही है कि भाई जो मिस्टेक्स एक नॉर्मल स्टूडेंट कर रहा है, जो मिस्टेक्स एक नॉर्मल स्टूडेंट कर रहा है, उन मिस्टेक्स को तुमको नहीं करना है। अगर तुम वही मिस्टेक्स दोहराओगे तो तुम सिलेक्शन से क्या पीछे हो जाओगे। और यार ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम यार एग्जाम दे रहे हो IIT JEE का, तुम एग्जाम दे रहे हो IIT JEE का, मेंस का दे रहे हो और एडवांस का दे रहे हो। अब यार अगर तुमको मेंस निकालना है तो तुमको पता है कि यार कितना कंपटीशन है यार, 10 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं, 10 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं, और 10 लाख में से तुमको क्या सिलेक्शन लेना है। और यार ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम नहीं है, बोर्ड एग्जाम में देखो क्या होता है, सभी पास हो जाते हैं, लगभग सभी पास हो जाते हैं, कुछ ही बच्चे क्या फेल होते हैं। लेकिन यहाँ पर तुमको पास नहीं होना है, यहाँ पर तुमको टॉप रैंक्स में आना है, क्योंकि अगर तुम टॉप के बच्चों में नहीं आओगे, तुम्हारा मेंस में टॉप में नहीं आया, तो भाई तुमको NIT वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर तुम एडवांस में अच्छे रैंक लेके नहीं आते तो तुमको बेस्ट IIT नहीं मिलेगा। तो IIT NIT जैसे कॉलेजेस के लेने के लिए तुमको यार टॉप रैंकिंग में आना पड़ेगा, और अगर तुम टॉप रैंकिंग में आओ तो तुमको कॉलेज तो मिलेगा, ऐसा नहीं तुमको कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज तुमको तब भी मिल जाएगा, क्योंकि यार इंडिया में कॉलेजेस की कमी नहीं है। अगर तुमको सोचा है तुमने कि यार तुमको बीटेक करना है, अगर तुमने सोच चुके हो भाई बीटेक करना है, तो कॉलेजेस की कमी नहीं है, तुम ध्यान रखना, कमी कॉलेजेस की नहीं है, कमी है अच्छे प्लेसमेंट की। अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए तुमको डेफिनेटली आज से ही अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना पड़ेगा। और तुम यार सिर्फ ये सोचते रहे कि यार हो जाएगा, कर लेंगे, तो भाई बिना कराए कुछ नहीं होगा। तो तुम समझ लेना बहुत अच्छे से मेरी बात, सिलेक्शन 70% तुम्हारी सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करता है, कोचिंग का रोल के तुम्हारा 30% है, वो तुम्हारा सिर्फ बॉर्नविटा काम करता है। और यार टॉपर और नॉर्मल स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है ये समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार अगर तुम्हारा इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो नीचे कमेंटों से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।